हेलो स्टूडेंट्स, फोर्थ चैप्टर कर रहे थे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं 4.3। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हमें एग्जाम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कहा है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है, तो आप उसी मेथड से सॉल्व करोगे। अगर आपने किसी और मेथड से सॉल्व किया, आपका आंसर करेक्ट है, तब भी उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। और अगर कहा है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करना है, तो आपको उसी से सॉल्व करना है। नाउ फर्स्ट पार्ट इज 2x² - 7x + 3 = 0। हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होती है, ax² + bx + c = 0। सबसे पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में जो आपने चेक करना है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x². कोफिशिएंट ऑफ x² 1 होना चाहिए। अगर कोफिशिएंट ऑफ x² 1 के अलावा कोई टर्म है, तो हम उस टर्म से डिवाइड करेंगे। सो डिवाइड द होल इक्वेशन बाय 2। पूरे इक्वेशन को हमने 2 से डिवाइड कर दिया। क्या आया हमारे पास? 2x² - 7x² + 3/2 = 0। x² - 7/2x + 3/2 = 0। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप कि हमने x² का जो कॉफिशियंट है 1 बना लिया। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में एक टर्म ऐड भी करनी है, सब्ट्रैक्ट भी करनी है। अगर हम इस इक्वेशन में कुछ ऐड करेंगे और वही टर्म सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, तो इस इक्वेशन में तो कोई फर्क नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा, ये इक्वेशन सेम रहेगी। क्या हमें करना है? हाफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स होल स्क्वायर। नाउ कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है हमारे पास? -7/2 होल स्क्वायर, 7/4 होल स्क्वायर, 7² and 4² सो 49/16। यहां पे हम ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। नाउ ये पूरी एक टर्म किसी का होल स्क्वायर होगी, एक्स का स्क्वायर। एक्स वाली टर्म के साथ माइनस है, तो माइनस यहाँ पे। अगर आप चाहो तो आप इसको हाफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर भी लिख सकते हो, तो यहाँ नेगेटिव आएगा, तो आप डायरेक्टली, क्योंकि वहां पे नेगेटिव है, तो यहाँ नेगेटिव लगा सकते हैं। -7/4 जो टर्म यहाँ पे आई होल स्क्वायर। अब आप इसे ओपन करके देख सकते हैं, a - b होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a - b होल स्क्वायर a² + b² - 2ab। चेक कर सकते हैं आप, a² + b² - 2ab यही टर्म आएगी, इज इक्वल्स टू ये वाली टर्म। इसका एलसीएम लेंगे 2 और 16 का, 8 3 24 - 49 = 0। x - 7/4 होल स्क्वायर -9 - 4 and 4 - 2। यहां तक आ गया हमारे पास। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम? x - 7/4 होल स्क्वायर ये टर्म राइट हैंड साइड जाएगी, प्लस की हो जाएगी 25/16। 25/16 को हम 5/4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 5² = 25, 4² = 16। सो स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, क्या आ गया यहाँ पे? +-5/4। नाउ x - 7/4 एक बार प्लस के 5/4 के इक्वल और एक बार नेगेटिव के 5/4 के इक्वल। नाउ x इज 5/4 + 7/4, टेक द एलसीएम, 5 + 7 = 12, सो 12/4 = 3।
x is equals to minus 5 by 4 plus 7 by 4. Take the LCM. Minus 5 and plus 7. 7 minus 5, 2 by 4, 1 by 2. So we get x as 1 by 2 and 3. Clear? Completing the square method में सबसे पहला जो step हमने देखना है, that is कि x square का coefficient 1 हो. अगर x square का coefficient 1 नहीं है, तो हम उसे पहले divide करके पूरी equation को उसका coefficient 1 बनाएंगे. उसके बाद half coefficient of x whole square, वो term इस equation में add भी करेंगे और subtract भी. Plus और minus की term तो cancel हो जाएगी, equation फिर से हमारे पास यही बची. उसके बाद एक टर्म जो है किसी नंबर का होल स्क्वायर होगी, बाकी कांस्टेंट टर्म्स को हम सॉल्व करेंगे. नाउ होल स्क्वायर और होल स्क्वायर बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा. सो एक्स माइनस सेवन बाय फोर इक्वल्स टू प्लस माइनस फाइव बाय फोर. क्लियर? क्योंकि फाइव माइनस फाइव बाय फोर का स्क्वायर भी प्लस ही होगा, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस और माइनस साइन लिया, क्योंकि नेगेटिव का होल स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा. नाउ नेक्स्ट सेकंड पार्ट, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो. अगेन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2, डिवाइड होल इक्वेशन बाय 2, 2 एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स बाय 2 माइनस 4 बाय 2 इक्वल्स टू 0. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय 2 इट मींस 1 बाय 2 इनटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0. एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट हो गया 1. नाउ हाफ कोफिशियंट ऑफ एक्स होल स्क्वायर एड भी करेंगे, सब्ट्रैक्ट. कोफिशियंट ऑफ एक्स इज 1 बाय 2 होल स्क्वायर 1 बाय 4 स्क्वायर, दैट इज 1 बाय 16. तो 1 बाय 16 एड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी. 1 बाय 2x प्लस 1 बाय 16 माइनस 2 माइनस 1 बाय 16. नाउ होल स्क्वायर कौन सी टर्म आई वहां पे ब्रैकेट में, 1 बाय 4. सो x प्लस 1 बाय 4 का होल स्क्वायर होगा. यू कैन चेक इट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. नाउ टेक नेगेटिव कॉमन, 16 इंटू 2 32. नेगेटिव कॉमन लिया तो प्लस 1. सो एक्स प्लस 1 बाय 4 होल स्क्वायर माइनस 33 बाय 16 इक्वल्स टू 0. एक्स प्लस 1 बाय 4 होल स्क्वायर, नेगेटिव की टर्म दूसरी साइड जाएगी पॉजिटिव. 33 बाय 16 को हम स्क्वायर रूट ऑफ 33 बाय 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं. टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, x प्लस 1 बाय 4 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 33 बाय 4. यही आया. नाउ एक बार प्लस के रूट 33 बाय 4 के इक्वल और एक बार माइनस के रूट 33 बाय 4 के इक्वल. नाउ माइनस 1 बाय 4 रूट 33 बाय 4 माइनस 1 बाय 4. सो माइनस 1 प्लस रूट 33 बाय 4 माइनस रूट 33 बाय 4 माइनस 1 बाय 4. सो माइनस 1 माइनस रूट 33 बाय 4. तो x हमारे पास क्या आया, माइनस 1 तो दोनों में है, प्लस माइनस रूट 33 बाय 4. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x की हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स हमारे पास 2 आएंगे. मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स मींस x में इक्वेशन है तो x की मैक्सिमम वैल्यूज कितनी आएंगी, 2. जितनी हायर डिग्री होगी इक्वेशन में उतने नंबर ऑफ रूट्स हमें मिलेंगे. अगर डिग्री हाईएस्ट 2 है तो x की वैल्यू 2 आई, डिग्री 3 होगी तो x की वैल्यू 3 आएंगी, सो ऑन. नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड पार्ट फर्स्ट का. नाउ थर्ड पार्ट, 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0.
इक्वेट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 4 है सो डिवाइड द होल इक्वेशन बाय 4 डिवाइड कीजिए 4x स्क्वायर बाय 4 प्लस 4 रूट 3x बाय 4 प्लस 3 बाय 4 इक्वल्स टू 0 4 कैंसिल क्या इक्वेशन बची एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x प्लस 3 बाय 4 इक्वल्स टू 0 नेक्स्ट स्टेप में एड एंड सबट्रैक्ट हाफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है यहां पे रूट 3 बाय 2 होल स्क्वायर सो 3 बाय 4 ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x प्लस 3 बाय 4 प्लस 3 बाय 4 माइनस 3 बाय 4 जो प्लस की टर्म है अगर a माइनस b का होल स्क्वायर होगा तब भी b की टर्म प्लस होगी a प्लस b का होल स्क्वायर होगा तब भी b स्क्वायर वाली टर्म प्लस होगी तो हमेशा हमने जो ऐड करना है वो इसमें करना है और सबट्रैक्ट वाली टर्म कांस्टेंट के साथ जाएगी सो ये क्या बन गया ये तो कैंसिल हो गया प्लस के 3 बाय 4 माइनस के 3 बाय 4 x प्लस रूट 3 बाय 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 सो x प्लस रूट 3 बाय 2 होल स्क्वायर हम इसे एज इट इज ऐसे लिख सकते हैं सो x प्लस रूट 3 बाय 2 इक्वल्स टू 0 x प्लस रूट 3 बाय 2 इक्वल्स टू 0 x इज इक्वल्स टू माइनस रूट 3 बाय 2 माइनस रूट 3 बाय 2 क्योंकि x की डिग्री 2 है तो हमें स्क्वायर की टर्म्स को सॉल्व करके इसके रूट 2 ही आंसर देने हैं x की वैल्यू के 1 आंसर नहीं देना कि आप यहां पे नेक्स्ट स्टेप में कर दो x plus root 3 by 2 equals to 0 तो एक रूट होगा नो क्योंकि डिग्री 2 है तो नंबर ऑफ रूट्स भी 2 आएंगे नाउ नेक्स्ट फोर्थ पार्ट equals to 0 again coefficient of x square is not 1 so divide the whole equation by 2 kya aya 2x square by 2 plus x by 2 plus 4 by 2 equals to 0 x square plus x by 2 plus 2 equals to 0 Now add and subtract half coefficient of x is 1 by 2. So 1 by 2 into 1 by 2, 1 by 4 whole square that is 1 by 16. Now put the values here. X square plus x by 2, 1 by 16 plus 2 minus 1 by 16. Again this is x plus 1 by 4 whole square. Take the LCM 32 minus 1 x plus 1 by 4 whole square 31 by 16 x plus 1 by 4 whole square equals to minus 31 by 16 क्या किसी भी नंबर का होल स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है नहीं क्योंकि हम माइनस 2 का स्क्वायर लेंगे तब भी प्लस का 4 2 का स्क्वायर लेंगे तब भी प्लस का 4 सो द स्क्वायर ऑफ नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव देयरफॉर नो रियल रूट्स एग्जिस्ट फॉर दिस इक्वेशन नो रियल रूट्स एग्जिस्ट फॉर दिस इक्वेशन क्योंकि हमारे पास होल स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो होल स्क्वायर किसी भी नंबर का नेगेटिव नहीं होगा देयरफॉर नो रियल रूट्स एग्जिस्ट नाउ नेक्स्ट वन फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट नाउ सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या कहा है फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला जैसे कि मैंने पहले कहा कि जिस मेथड से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कहा है हमें उसी मेथड से उसे सॉल्व करना है सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट
2x square minus 7x plus 3 equals to 0. अब सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x में ही रूट्स फाइंड होंगे. अगर जनरल इक्वेशन ये है तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, दिस इज डिस्क्रिमिनेंट. d इज b square minus 4ac और we can write it as minus b plus minus square root of d upon 2a, जहां पे d ये होगा. या आप directly ये formula भी apply कर सकते हैं. To find the value of x, quadratic formula is this. Now first क्या करेंगे, हम इस equation से quadratic equation को compare करेंगे. By comparing both these equations, a is equals to 2, b is minus 7, c is 3. Now apply the formula, minus b plus minus square root of b square minus 4ac upon 2a, b is minus 7 plus minus b square minus 4ac upon 2a. यही आया. नेक्स्ट स्टेप में क्या आया, माइनस माइनस प्लस 7, 7 स्क्वायर 49, 4 इंटू 3 12, इंटू 2 24 अपॉन 4, 7 प्लस माइनस 25 बाय 4. 25 का स्क्वायर रूट, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का. सो क्या आ गया हमारे पास, x इज इक्वल्स टू 7 प्लस माइनस 5 बाय 4. क्या करेंगे, एक बार 7 प्लस 5 बाय 4 और एक बार 7 माइनस 5 बाय 4, 12 बाय 4, 2 बाय 4, सो 3, x की वैल्यू हमारे पास आई 3 एंड 1 बाय 2. क्लियर, हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ इक्वेशन को जनरल इक्वेशन से कंपेयर किया, ए बी सी की वैल्यू फाइंड की और वो वैल्यूज फार्मूला में पुट की एंड देन सॉल्व. क्लियर, x इज इक्वल्स टू 3 एंड 1 बाय 2. नाउ सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट इज 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0. नाउ कंपेयर बोथ दीज इक्वेशंस, a is equals to 2 coefficient of x square, b coefficient of x कुछ भी नहीं है, means 1 है यहाँ पे, c is minus 4. Now put in the formula, minus b, b is 1, plus minus b square minus 4 a c upon 2 a is again 2. क्या आया हमारे पास, minus 1 प्लस माइनस 1 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 2 8 इंटू 4 32 अपॉन 2 इंटू 2 4. तो क्या आ गया, माइनस 1 प्लस माइनस रूट 33 बाय 4. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x. दो वैल्यूज हैं, एक प्लस का रूट 33 और एक माइनस का रूट 33. सो x इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस माइनस रूट 33 बाय 4. नाउ थर्ड पार्ट, 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0. कंपेयर इट विद द जनरल इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. a इज 4, b इज 4 रूट 3, c इज 3. Put these values in the formula, minus b plus minus b square minus 4ac upon 2a minus b plus minus b square minus 4a and c upon 2a. Yeah, yeah, yeah. Now in the next step, minus 4 root 3 plus minus. अगर मैं 4 रूट 3 का स्क्वायर करूं, इट मींस मुझे इन टर्म्स को दो बार मल्टीप्लाई करना है. 4 इंटू 4 इज 16, रूट
रूट थ्री को रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री, दो बार स्क्वायर रूट की टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर हो गया और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा. सो 16 इंटू थ्री 48 माइनस 4 इंटू फोर 16 इंटू थ्री 48 अपॉन 8. सो माइनस 4 रूट थ्री प्लस माइनस 0, स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज ऑल्सो 0 अपॉन 8. सो माइनस 4 रूट थ्री अपॉन 8 प्लस माइनस 0. प्लस माइनस 0 मीन्स एक बार आप 0 ऐड करोगे तब भी वही टर्म रहेगी, 0 सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी वही टर्म रहेगी. सो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई, माइनस रूट थ्री बाय टू माइनस रूट थ्री बाय टू. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. नाउ नेक्स्ट वन, फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट इज 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल्स टू 0. कंपेयर द इक्वेशंस, a इज 2, b इज अगेन 1 कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज 4. पुट द वैल्यूज, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. माइनस 1 प्लस माइनस 1 4 into 4, 16 into 2, 32. 2 into 2 is 4. Minus 1 plus minus. एक टर्म नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है. होगा सब्ट्रैक्ट और साइन आएगा बड़ी टर्म का. So minus 31 by 4. Square root में कोई भी टर्म नेगेटिव नहीं हो सकती. Write down. Square root. Term in the square root cannot be negative. Term in the square root cannot be negative. Therefore, no real roots exist. इसलिए इस equation में कोई भी real root exist नहीं कर रहे. तो हमने क्या किया, completing the square method and quadratic formula. जिस method से एग्जाम में पूछा होगा उसी मेथड से हमें सॉल्व करना होगा, तभी फुल मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे. आई एम अगेन रिपीटिंग दिस कि अगर आप उस मेथड से नहीं करोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. नोट इट डाउन.